डर अब सताने लगा है। इंसान पार्क जाता है ताजी हवा लेने, सेहत को बेहतर करने, लेकिन बांसवाड़ा के पार्क में इस वक्त लोग जाने से डर रहे हैं। जी हाँ, पार्क में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जाने से डर रहे हैं। ये शहर का सबसे बड़ा पार्क कागदी पिकअप बियर है, जहाँ लोगों से ज्यादा चमगादड़ रहते हैं। शहर के बीचों बीच एक इतनी भ्रमण की इतनी सुंदर और बढ़िया जगह है, जिसका चमगादड़ की होने की वजह से लोगों के आने की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। लोगों में एक भय व्याप्त है कि चमगादड़ से हम किसी संक्रमण से ग्रसित न हो जाएं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पेड़ों में किस तरह चमगादड़ लटके हैं। पार्क के आधे हिस्से में चमगादड़ों की हुकूमत हो गई है, जिससे संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। निपाह वायरस से केरल में हुई मौत के बाद बांसवाड़ा के लोगों में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि कागदी पार्क में रोज गर्मी की वजह से 50 से ज्यादा चमगादड़ मर रहे हैं। बहुत ज्यादा संक्रमित हो रहा है। यहाँ वृद्ध लोग बहुत आते थे जो योगा करते थे, उन लोगों ने आना बंद कर दिया। छुट्टियां होने के कारण बच्चे आते थे, पर माता पिता ने उनको भेजना बंद कर दिया कि ये संक्रमण उनमें ना फैल जाए। इसका कोई इलाज भी नहीं है, ये अभी पता चला है, तो डर कर लोग आना बंद हो रहे हैं। पार्क में सुबह के वक्त सैकड़ों लोग घूमने आते थे, लेकिन चमगादड़ों के डर से लोगों ने पार्क में आना बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, कागदी नदी से ही शहर में पानी की सप्लाई हो रही है, और इसके किनारे लगे पेड़ों पर चमगादड़ हैं, जो कि गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन सवाल है कि इस तरफ ना ही प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही विभाग, कि चमगादड़ों के संक्रमण और निपाह वायरस के फैलने से कैसे बचा जाए। बांसवाड़ा शहर की जनता को भी निपाह वायरस का खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ, शहर के सबसे बड़े कागदी पिकअप वियर पार्क के आधे हिस्से में चमगादड़ों ने अपना बसेरा बना लिया है। इन आधे हिस्से में लोग घूमने तक नहीं आ रहे हैं। यह पार्क शहर का सबसे बड़ा है, पर इन चमगादड़ों की वजह से अब यहाँ पे आने की संख्या जो लोगों की वो भी काफी कम हो गई है। वहीं इस ओर ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना ही वन विभाग ध्यान दे रहा है। अजय ओझा, जी मीडिया, बांसवाड़ा।